दोस्तों गर्मियों का मौसम आ गया है और ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्किन केयर रूटीन, क्योंकि सर्दियों की स्किन केयर रूटीन तो हर किसी को पता है बहुत इजी होती है, क्योंकि स्किन से हमारी सर्दियों में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं होता, लेकिन गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत होता है, प्लस बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण स्पेशल स्किन केयर की सबको रिक्वायरमेंट होती है। और आजकल जिस तरह का पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस कंडीशंस में और जिस तरह का स्ट्रेसफुल लाइफ है, उस कंडीशन में स्किन पे डबल फोकस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर राजेश, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और स्किन केयर एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि गर्मियों में आप अपना जो सन ब्लॉक लोशन है, जो सनस्क्रीन है, वो कैसे चुने, मतलब कितना SPF वाला चुने, मेरे लिए कौन सा सनस्क्रीन परफेक्ट रहेगा, कौन सा मुझे लेना चाहिए, आज कंप्लीट मैं बात करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गर्मियों में कौन सा सनस्क्रीन लेना चाहिए, क्या सिर्फ SPF देख के लेना चाहिए या फिर कंपनी के जो लोगो है, मतलब कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी छोटी कंपनी है, ये देख के लेना चाहिए या उसके प्राइस को देख के लेना चाहिए, तो इस तरह से कौन सा लेना चाहिए और सबसे रिजनेबल प्राइस में बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा हो सकता है, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए, बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट आप अपने स्किन पे लगाओ, उससे पहले आपको 3 बातों का हमेशा पता होना चाहिए। पहली बात तो ये, आपको आपकी स्किन का टाइप जरूर पता होना चाहिए, आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है या सेंसिटिव है, ठीक है। इसके बारे में आपको नहीं पता तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके चेक करवा सकते हैं। कुछ साइनिंग सिम्टम्स होते हैं या फिर कुछ लोकल एग्जामिनेशन होती है, वैसे नॉर्मली लोगों को ये बात पता होती है कि मेरी स्किन ड्राई है, ऑयली है या सेंसिटिव है, ठीक है। दूसरी बात, आपको आपके बजट के हिसाब से ही सनस्क्रीन लोशन चुननी चाहिए। ये नहीं है कि आपके किसी फ्रेंड ने या आपके किसी ब्यूटी पार्लर ने या किसी सैलून वाले ने या किसी फेवरेट हीरो ने किसी चीज़ का प्रचार कर दिया कि ये सनस्क्रीन सबसे बेस्ट है और आप अपनी जेब को देखे बिना ही वो परचेज कर लो। भले ही आपका जो बजट है वो 500 रुपये हो और आप ले 5000 वाले हो, तो वो किसी काम का नहीं है दोस्तों। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, सनस्क्रीन लगाने का तरीका क्या आपको पता है। अगर इन 3 चीज़ों के बारे में आपको पता है तो आपकी गर्मियों की विंटर स्किन केयर बिल्कुल ईजी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं सनस्क्रीन लोशन लेना कौन सा चाहिए दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में बहुत सारे सनस्क्रीन आते हैं जो बताते हैं SPF एक नाम आता है सनस्क्रीन लोशन में, जिसका मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। जो सनलाइट होती है हमारी स्किन में पड़ती है, उसको किस लेवल तक वो रोकता है, वो क्रीम किस लेवल तक रोकती है, उसको बोलते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो मेरे ये एडवाइस है कि आप हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करो, वो मेडिकेटेड यूज़ करो। मेडिकेटेड यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि जितना SPF उसमें बोला गया है उतना SPF उसमें होगा, क्योंकि वो FDA अप्रूव्ड होगा। बाकी जो लोकल कंपनियां होती है, बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट आते हैं, वो कुछ भी लिख देते हैं, 65 SPF लिख देते हैं। एक कंपनी देखी थी मैंने, उस पर 75 SPF लिख दिया था। डर्मेटोलॉजिकली अप्रूव है कि 35 से लेके 55 तक का SPF है वो इनफ रहता है हमारी स्किन के लिए। 35 गर्मियों की बात कर रहा हूँ, जब टेम्परेचर 45 से ऊपर हो जाता है तब की बात है। तो 35 से नीचे SPF भी नहीं होना चाहिए और 55 से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो अगर इसके बीच रहता है तो वो एकदम परफेक्ट SPF वाली क्रीम है आपके लिए, ठीक है। और अगर आपकी स्किन ऑयल बेस्ड है तो आपको वाटर बेस्ड सनस्क्रीन लगाना चाहिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन लगाना चाहिए, या फिर आप सनस्क्रीन से पहले मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आपको जो सनस्क्रीन लगाना कैसे है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता सनस्क्रीन लगाना कैसे होता है, क्या करते हैं, बाहर जाना है, क्रीम लेंगे, थोड़ी सी अप्लाई की और निकल गए, चलो। उस क्रीम को लगाने का कोई असर नहीं है, कोई इफेक्टिव नहीं करेगी वो। आपकी क्रीम चाहे 2000 की हो, चाहे 500 की हो, चाहे 50 की हो, सब वेस्ट है। उसका SPF कितना भी हो, ठीक है, सब वेस्ट है। आपको सनस्क्रीन लगानी है बाहर जाने से, यानी धूप में जाने से पहले
40 मिनट पहले लगानी है और उसकी पहले हल्का सा नहाने के बाद या फेस वॉश के बाद हल्का सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर ले फेस पे। हल्का सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद आपको सनस्क्रीन लेनी है, हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे आपने स्प्रेड करनी है। और अगर आप हाथों से मसाज करते हो बहुत ज़्यादा तो वो सनस्क्रीन आपके हाथों में एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपकी स्किन में लगेगी नहीं, वो किसी काम के नहीं है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, देन थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करने के बाद हल्का हल्का स्प्रेड करना है, बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी है और 40 मिनट पहले लगानी है, क्योंकि सनस्क्रीन को एब्जॉर्ब होने में 25 से 30 मिनट लगते हैं। तो अगर आप लगा के तुरंत जाओगे तो किसी भी काम की नहीं होगी और वो पसीने से पिघल के आपके निकल जाएगी क्रीम। तो जब तक स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक उसका SPF किसी काम का नहीं है। तो इस तरह से सनस्क्रीन लगानी चाहिए। और जब आप और दिन में दोस्तों मान लो 24 घंटे में से 12 घंटे धूप में रहते हो तो मेरे एडवाइज़र 2 बार सनस्क्रीन लगानी चाहिए, एक तो सुबह बाहर जाने से पहले और एक शाम को 3 से 4 बजे, फिर लगाएं रात को फेस को वॉश करके नॉर्मल सी जो आपकी नाइट रूटीन क्रीम है उसे लगा के सो सकते हो, या गुलाब जल लगा सकते हो, या एलोवेरा लगा सकते हो, या विटामिन ई का कैप्सूल लगा सकते हो, या मलाई की मसाज करके आप सो सकते हो। तो ये रूटीन होता है सनस्क्रीन लगाने का गर्मियों में। अब एक बात हो रहा है कि सर्दियों में लोग गलतियां करते हैं, सर्दियों में लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते, जबकि सर्दियों में जो सनरेज होती है वो ज़्यादा हानिकारक होती है गर्मियों के कंपेयर में, क्योंकि गर्मियों में हमारी स्किन के पोर्स ओपन रहते हैं, पोर्स ओपन रहने से हमारे जो पसीना है या जो डस्ट वगैरह है रिमूव होती रहती है उस पोर्स से। सर्दियों में ऐसा नहीं होता, हमारे पोर्स स्किन के बंद रहते हैं, इसके कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पिंपल ज़्यादा सर्दियों में ही होते हैं। और इसके कारण जो सनस्क्रीन है उसको लगाना भी बहुत ज़रूरी है सर्दियों में। तो ये सनस्क्रीन को लेके एक वीडियो है जो काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछी थी कि कौन सी सनस्क्रीन। अब बात करते हैं कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए। मेरी तो एडवाइस ये है मेडिकेटेड सनस्क्रीन लगानी चाहिए, जो कि 400 से 500 की रेंज में आपको एक महीने चलने वाली सनस्क्रीन आराम से इजीली मिल जाती है। मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, एक मैं बता देता हूँ, नॉर्मल एक VLCC की आती है, आई थिंक उसका 35 SPF बहुत अच्छी है, मैंने भी यूज़ की हुई है। तो VLCC अगर आप नॉर्मल लेना चाहते हो, मेडिकेटेड आप नहीं लेना चाहते हो, तो VLCC का सनस्क्रीन ले सकते हो। उसके साथ 1+1 ऑफर भी आता है, तो आपको लगभग 350 की 2 मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी पैकिंग है, तो वो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी ले हो, सबसे पहले अपनी स्किन को देखो, अपने बजट को देखो, और इसके अलावा लगाने का तरीका देखो, और जो आप ले रहे हो उसका SPF देखो। तो मैं डॉक्टर राजेश लेता हूँ विदा, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव है। इसके अलावा आप क्या जानना चाहते हो स्किन केयर के बारे में, या हेयर के बारे में, हेयर लॉस के बारे में, हेयर लॉस ट्रीटमेंट के बारे में, या जो भी जो लेटेस्ट एस्थेटिक सर्जरीज होती है इनके बारे में जो भी आप जानना चाहते हो मुझे कमेंट में बता सकते हो। और मैं डॉक्टर राजेश लेता हूँ विदा, इस तरह की वीडियोज लाता रहूँगा, और आपको ये वीडियो तभी मिलेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डॉक्टर राजेश मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लविंग, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल।